रोहित शेट्टी कहते हैं कि मैं भले भले लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर ये जो रणवीर सिंह नाम का आइटम है ना, उसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास तो नहीं है। बंदे की एनर्जी से तो मेरी गाड़ियों को भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए अब ये रिमोट जिनके पास है उन्हीं को मैंने बुलाया है, और ये रिमोट कंट्रोल है लेडी सिंघम के पास। हाँ, दीपिका पादुकोण के पास, जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन रणवीर को मुट्ठी में रखेंगी। अरे जहाँ बाजीराव सिंघम, अजय देवगन भी कार्ड रोल से रहते हैं, वहां पर रणवीर का कोई अलग हाल नहीं होगा। देखिए, दीपिका सिंघम अगेन में आने वाली हैं। उसका पहला लक्ष्य है देशभक्ति को जगाना, फिर चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो या फिर अपने घर में। तो वो अपने भाई सिंघम का पूरा साथ देगी, हो सके तो अपनी ऑन स्क्रीन भाभी करीना को भी थोड़ी बहुत सीख देगी। और जहां सिंघम और सिम्बा पर रोहित ज्यादा फोकस कर रहे हैं और सिम्बा को ही सिंघम की परंपरा आगे ले जाने के लिए वारिस घोषित कर चुके हैं, उससे ये कनेक्शन बनता है कि सिंघम अगेन में सिम्बा और लेडी सिंघम दीपिका की लव स्टोरी का आगाज होगा। वैसे भी रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, फ्लर्ट करने के मामले में रणवीर का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, पर शाहरुख खान पकड़ सकते हैं। तो यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी का टाका सेट होगा और सिम्बा में दीपिका और सिम्बा की स्टोरी कंटिन्यू करके एक अच्छा कनेक्शन बन सकता है। दीपिका को कॉप यूनिवर्स में कंटिन्यू रखने के लिए बस अब सिंघम की परीक्षा में पास होने के लिए सिम्बा को पावर बेलने पड़ेंगे। वैसे कॉप यूनिवर्स वर्सेस स्पाई यूनिवर्स को हम गौर से देखेंगे तो दोनों यूनिवर्स में 4 फिल्में आ चुकी हैं। स्पाई यूनिवर्स में एक था टाइगर सुपरहिट रही, टाइगर जिंदा है सुपरहिट रही, वॉर ब्लॉकबस्टर रही और पठान तो सुपर ब्लॉकबस्टर रही। तो वहीं कॉप यूनिवर्स में सिंघम ब्लॉकबस्टर रही, सिंघम रिटर्न सुपरहिट रही, सिम्बा भी सुपरहिट रही और सूर्यवंशी हिट के आसपास रही। इसलिए अब आगे आने वाली टाइगर 3 और सिंघम अगेन में ये मुकाबला होगा। वैसे दोनों की रिलीज डेट में बहुत अंतर है। टाइगर 3 के डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा और सिंघम अगेन के रोहित शेट्टी। मनीष शर्मा के करियर में उन्होंने एक्शन मास एंटरटेनर फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने एज अ डायरेक्टर अभी तक बस 4 फिल्में की, पर वहीं रोहित के करियर में एक्शन और कॉमेडी फिल्मों का मेला है। रोहित कमर्शियल मास एंटरटेनर फिल्में देने में कामयाब हो चुके हैं, पर मनीष को लेकर कोई डंके की चोट पर नहीं कह सकता क्योंकि उनका वैसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा। अगर रोहित ने भी सूर्यवंशी जैसी थोड़ी बहुत एवरेज मूवी दी तो मनीष ने भी फैन जैसी ठंडी मूवी दी है, तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हम रोहित को वोट कर सकते हैं क्योंकि कमर्शियल एंटरटेनमेंट में वो हमेशा आगे रहे। पर इस बार उन्हें सिंघम अगेन को उनकी पिछली 4 फिल्मों से भी हट के बनाना होगा ताकि ऑडियंस को ये कंप्लेन ना रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ रीमेक्स पर काम करते हैं। खैर, अब आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।